सो हे एवरीवन, वेलकम टू वन अनदर वीडियो। आज आपको सुनाने जा रहा हूँ एक रियल स्टोरी जो गूगल पर भी अवेलेबल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो भूत आपके घर में आ जाएगा। तो स्टोरी शुरू होती है सुमेर से। तो सुमेर कहता है, मैं आपको बता दूं कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित है, मेरी आंखों देखी हुई है। पहले मुझे भी भूत प्रेतों पर किसी भी ऐसी चीज पर यकीन नहीं था, लेकिन इस घटना के बाद मैं इन सारी बातों पर यकीन करता हूँ। मेरा मानना है कि हम अगर भगवान पर यकीन रखते हैं तो शैतान के वजूद को भी मानना पड़ेगा। आपको शायद इस कहानी पर यकीन ना आए, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि जब एक तक खुद इस चीज को कोई महसूस नहीं करता, उसे कभी यकीन नहीं होता। मैं एहसास कर चुका हूँ, इसलिए यकीन है कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन कई पात्र और कई कहानी के कई अंश बिल्कुल काल्पनिक है। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से संबंध नहीं है। सुमेर, फोन की घंटी बजती है। मेरी नींद खुली, सबसे पहले घड़ी पर नजर पड़ी, सुबह के 7:30 बज रहे थे। मैंने सोचा इतनी सुबह सुबह किसने फोन किया। बिना फोन की स्क्रीन देखे हरा बटन दबा दिया। हेलो, उधर से आवाज आई। सुमेर, आवाज जानी पहचानी लगी, दूसरी तरफ चाचा जी थे। मैंने कहा, चाचा जी प्रणाम, खुश रहो, दिल्ली आ सकते हो क्या? उनका इतना कहना था कि मेरी पूरी नींद कहाँ छूमंतर हो गई पता ही नहीं चला। शरीर की सारी इंद्रियां एकाएक ये संकेत देने लगी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। फौरन दिमाग में फिल्म चलने लगी कि क्या हो सकता है, कहीं दादी या फिर दादा या कोई और। खैर, दिल की बढ़ती धड़कनों को काबू करने की नाकामयाब कोशिश करते हुए मैंने पूछा, चाचा जी सब ठीक तो है ना? सुमेर, अगर दिल्ली आ सकते हो तो फौरन आ जाओ, बेहद जरूरी है। इतना कहकर चाचा जी ने फोन काट दिया। दिमाग चक्कर घिन्नी की तरह घूम रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। फौरन पिताजी को फोन लगाया। काफी देर तक मोबाइल में ट्रिन ट्रिन की घंटी सुनाई देती रही, लेकिन पिताजी ने फोन नहीं उठाया। मम्मी को फोन किया, लेकिन यहाँ भी फोन नहीं उठा। दिमाग में न जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। फिर मैंने अपनी बड़ी बुआ के बेटे को फोन किया। शुक्र था कि उधर से आवाज आई, हेलो सुमेर भैया प्रणाम, हेलो सुमेर भैया प्रणाम। राजू, घर में सब ठीक है ना? हाँ, वैसे तो सब ठीक है, गुड़िया दीदी की तबीयत थोड़ी खराब है, उन्हें दिल्ली ले गए हैं। दिल्ली गए हैं? क्या तबीयत ज्यादा खराब है? नहीं, उनको दौरे पड़ रहे हैं, शायद दिमाग में कुछ हो गया है। मैंने राहत की सांस ली, चलो बहुत बुरा, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन दिल की धड़कनें इसके बावजूद भी कम नहीं हुई। गुड़िया की तबीयत खराब है, पहले तो कभी इस तरह उसकी तबीयत खराब तो नहीं हुई।